भाइयों और बहनों, सोनार बांग्ला और परिवर्तन के नारे के साथ, मां माटी मानुष के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर दीदी सत्ता पर आई। मैं पूछना चाहता हूं आपको, परिवर्तन हुआ है क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? तुष्टिकरण रुका है क्या? पॉलिटिकल वायलेंस बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार रुका है क्या? मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं, ये तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। भाई और बहनों, 27 साल कम्युनिस्टों का शासन रहा, ममता जी तीसरी टर्म के लिए जीती, लाल भाई और तृणमूल कांग्रेस मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दिए। चुनावी हिंसा पूरे देश में, चुनावी हिंसा अगर सबसे ज्यादा होती है तो बंगाल में होती है। घुसपैठ बंगाल सरकार ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। जो ममता बनर्जी कभी घुसपैठियों के लिए पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी, वो ममता बनर्जी आज घुसपैठियों को खुलेआम वोटर कार्ड और आधार कार्ड बट रहे हैं, वो चुप बैठी है। कट मनी से पूरी बंगाल की जनता परेशान, सिंडिकेट की उगाही से पूरी बंगाल की जनता परेशान। और जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, वो बंगाल आज बम धमाकों से गूंज रहा है। मित्रों, बम धमाकों से गूंज रहा है। पूरे देश में गरीबी कम हो रही है, मगर बंगाल में गरीबी कम होने का नाम नहीं देती। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आपको बताने आया हूं भाइयों, मैं गुजरात से आता हूं, मेरे जीवन में किसी नेता के घर से इतनी सारी नोटों की गड्डियां किसी ने अपने जीवन में नहीं देखी होगी। मित्रों, जो बंगाल साहित्य, विज्ञान, कला, आजादी का आंदोलन, आध्यात्म, उद्योग और कृषि में पूरे देश का नेतृत्व करता था, वो बंगाल आज सबसे पिछड़ा बनाने का काम दीदी ने किया है। दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर रख दिया है। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं, एक बार पूरे देश का विकास देखिए। मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। उनको घर दिया, शौचालय दिया, गैस दिया, पीने का पानी दिया, मुफ्त में अनाज दिया, साथ में शौचालय के साथ साथ 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं दी और पूरे देश को कोरोना का दोनों टीका लगाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूरे देश में आतंकवाद को मोदी जी ने समाप्त किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? जिस कश्मीर के लिए, जिस धारा 370 को हटाने के लिए बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद जी ने बलिदान दिया था,
वो धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। वामपंथी उग्रवाद को नकेल कसकर समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया। भारत के तिरंगे को चंद्रयान के माध्यम से चंद्र पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नई संसद बनाई और देश के अर्थतंत्र को 11 नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे बताओ बंगाल वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? दूर तक स्टे विद द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर न्यूज ब्रेक्स, एनालिसिस, इंटरव्यूज एंड इवेंट्स। वी ब्रिंग यू स्टोरीज फ्रॉम योर नेबरहुड एंड फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एज वेल। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल, hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.